वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इसमें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेंगे देखिए सबसे तो पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन होता है यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने हुए होते हैं उन्हें ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं जैसे इसका नाम है हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन कार्बन यानी कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन वो होता है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स ये जो होते हैं सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन किस में मिलता है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होता है वो पेट्रोलियम में मिलता है पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होता है अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकारबन्स टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट होता है हमारे पास सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है जो हमारे पास वो होता है अन हाइड्रोकार्बन so, दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड तो जिसमें आज हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप के जो होते हैं वो हैं सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन्स अब देखिए इसमें क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बोंड होता है यानी कि चाहे जितने मर्जी कार्बन जुड़े हुए हों सब में सिंगल बोंड से जुड़े हुए होंगे जितने मर्जी जुड़े हुए हों सिंगल बोंड में होंगे वो सैचूरेटिड हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो इसमें जो कार्बन होते हैं जो सारे कार्बनस के बोंड्स होते हैं वो सिंगल बोंड में जुड़े हुए होते हैं अब सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम से जाना जाता है वो होता है एल्क एल्केन्स यानी इनके लास्ट में एन वर्ड का यूज़ होता है एन ठीक है तो ये होते हैं हमारे पास सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन्स सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ अब आप देखिए इसका सेचुरेटिड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जैसे कि मिथ मिथ के बाद एन जुड़ा होगा तो मिथेन बन जाएगा इथ एन प्रॉप एन तो ये सारे क्या होते हैं सेचुरेट इनके पीछे एन लगा हुआ होता है ये सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अब देखिए मिथेन क्या होता है मिथेन होता है सी एच फोर यानी एक कार्बन अपने साथ चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है नेक्स्ट है इथ मिथ के मिथेन के बाद इथेन इथेन में यहाँ पे मिथेन में एक कार्बन है इथेन में कार्बन दो हो जाएंगे और मिथेन में चार हाइड्रोजन है इथेन में दो हाइड्रोजन और बढ़ जाएंगे यानी कि चार से छह हो जाएंगे तो इथेन प्रोपेन में क्या होगा कार्बन टू है तो कार्बन थ्री हो जाएंगे और एच सिक्स है हाइड्रोजन सिक्स है तो दो और बढ़ जाएंगे यानी कि दो दो के दो दो के कम्बिनेशन दो दो में ऐड ऐड करते चलो तो यहाँ पे हो जाएंगे एट हो जाएंगे तो एक है मिथ इथ प्रोप इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ब्यूट एन ब्यूटेन क्या होता है कार्बन थ्री हैं तो यहाँ फोर हो जाएंगे और हाइड्रोजन एट हैं तो दो और जोड़ दो इसमें एट में टेन हो जाएंगे ठीक है मैं अब पेंट एन पेंट एन पेंट एन कार्बन फोर है तो कार्बन फाइव हो जाएंगे और हाइड्रोजन टेन है टेन में टू और जोड़ दो कितने हो जाएंगे ट्वेल्व हो जाएंगे तो ये होता है ये सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अब जो सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर जो इसको मेंशन करते हैं जो इसकी बॉन्डिंग करते हैं तो इसको कैसे करते हैं वो हम देखेंगे देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है अलग अलग स्टेप्स में होता है हमने स्टेप वन स्टेप वन में क्या करना है सपोज कीजिए कि आपको इथेन बनाना है यानी कि ई टी एच ए एन ई लास्ट में एन लगा इथेन क्या होता है सी टू एच सिक्स ये देखिए मैंने आपको बताया था ना सी टू एच सिक्स ये इथेन है तो आपको सी टू एच सिक्स बनाना है तो फर्स्ट इसके स्टेप वाइज चलेंगे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप में आपने ये देखना कि कार्बन कितने हैं कितने कार्बन है टू कार्बन हैं टू कार्बन है।, है ना तो दो कार्बन के बीच में क्योंकि ये सेचूरेटेड है तो सिंगल बॉन्डा लगाओ तो दो कार्बन है ये आपने करना है ये आपका फर्स्ट स्टेप है ठीक है ना अब इसमें कार्बन ने आपको आपने वेरीफाई कर दिया कि इथेन में दो कार्बन होते हैं अब इसमें स्ट्रक्चर बना रहे हो आप इसका तो इसकी बॉन्डिंग करोगे अब इसमें आपने इस, फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है सेकंड स्टेप इन कार्बन कार्बन्स में आपने हाइड्रोजन के एटम्स लगाने हैं हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स यानी दो कार्बन के साथ छः हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं तो छः कैसे जुड़े हुए हैं दो कार्बन तो ये हैं तो छः कैसे जुड़े होंगे एक यहाँ पे जुड़ा होगा एक यहाँ जुड़ा होगा एक यहाँ और यहाँ पे दिस वन तो ये सिक्स हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्यों क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास इसके मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी किस तरह से ये डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगी कि किस तरह से ये बना बने हैं तो ये जो आपके पास फॉर्मेशन आई है ना ये आपकी इथेन की है ये क्या है सी टू दो कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए सिक्स है एक कार्बन मिथेन की बात करो अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करो मिथेन की बात करते हैं सी एच फोर है एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं एच 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 ये मिथेन होता है अब दो कार्बन हैं तो ए, क्या हो गया सी टू एच सिक्स हो गए छः हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो ये होता है इथेन अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें तो मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बताती हूँ देखिए कार्बन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन टू थ्री फोर अब दो सी टू है ना तो इसकी ये इसको मैं रब कर दूँ इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और अब देखिए कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में कितने आ, इलेक्ट्रॉन होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कार्बन के मोशल में चार हैं दूसरे के में भी चार हैं अब ये क्या होगा एच हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स अब इनकी हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से है ना तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ये इसको और इस तरह से हर एक हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर लेगा अब कार्बन ने क्या करना कार्बन को तो एट चाहिए फोर उसके पास ऑलरेडी हैं एक एक हाइड्रोजन का हो गया फाइव सिक्स सेवन अब एक की कमी है एक ये जो कार्बन के साथ बचा हुआ है ना इसको ये शेयर करता है क्या करेगा इसे शेयर और किस तरह से शेयर करेगा इस तरह से हाइड्रोजन के तीनों हाइड्रोजन के और इस कार्बन का इस तरह शेयर करेगा ये वाला कार्बन भी सेम इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इन तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा इस तरह से इनकी डॉट स्ट्रक्चर बनता है अब ऐसे ही अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊँ या मैंने अब इथेन का बताया था ना मैं आपको बताती हूँ प्रोपेन का मिथ इथ प्रॉप सी टू एच एट कैसे बनेगा सी टू एच एट ठीक है अब प्रोपेन का चलते हैं हमने किसका बनाना है प्रोप एन प्रोपेन मीन्स टू से सी थ्री सी थ्री प्रोपेन में थ्री होते हैं ना सी थ्री और एच एट अब सबसे स्टेप वन में आपने क्या करना है स्टेप वन में आपने कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है किसका कार्बन का यानी कार्बन कितने हैं थ्री वन टू और थ्री अब स्टेप टू में स्टेप टू में आपने इनमें हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने हैं ठीक है उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है तो कार्बन कितने थे वन टू और थ्री एट हाइड्रोजन है ना तो कैसे बनेंगे आप यहाँ आपके सब सबके साथ लाइंस लगा लीजिए सेचूरेटेड हैं तो वी सब सिंगल वर्ड में हैं अब यहाँ पे जो लाइंस के पास जो जगह खाली है ना इनके साथ हाइड्रोजन लिख दीजिए कितने हो गए कितने हाइड्रोजन है आप काउंट कीजिए इन्हें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट हाइड्रोजन है यहाँ पे ठीक है एट हाइड्रोजन मीन्स टू से कि ये जो स्ट्रक्चर है प्रॉप एन का है यानी जो हमारे सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना इन्हें हम एल्क बोलते हैं एल्क एन एल्केन्स इन्हें बोला जाता है अब इसमें जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है सी एन यानी कि सी एन मतलब एन एन मतलब है कि कार्बन कितने भी हो सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एन इसको रिप्रेजेंट करता है कि इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और जो हाइड्रोजन होते हैं टू एन एन भी कोई इंटीजर होगा यहाँ पे प्लस टू ये होगा किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला अब देखिए एग्जाम्पल अगर अब एन एन की बात कर रहे हैं ना तो एन क्या है अगर एन वन है एन वन है तो कार्बन एन की जगह वन लिख जाएगा यानी कि एक कार्बन है ठीक है और एच टू एन प्लस टू यानी टू एन कितना है टू मल्टीप्लाई बाय वन टू वन जो टू ही होता है टू वन ज टू प्लस टू प्लस टू यानी प्लस टू यानी कितना हो जाएगा ये फोर तो सी एच फोर हो जाएगा सी एच फोर क्या होता है मिथेन होता है तो इस तरह से इसके जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही दूसरा अगर एन एन एग्जाम्पल है एन अगर टू हो जाए तो सी एन इसका फॉर्मूला लिख लो टू एन प्लस टू एन टू है तो सी मतलब टू मे क्या हो जाएगा इथ है ये इथ दो कार्बन मतलब इथ एक कार्बन मतलब मिथ दो कार्बन मतलब इथ ठीक है और टू टू मल्टीप्लाई बाय टू एन कितना है टू 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 जो फोर और प्लस टू सिक्स एच सिक्स सी टू एच सिक्स अगर एन इज इक्वल टू टू है तो ये इथेन मिथे इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा तो इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट नंबर पे मिथ मिथ सेकंड नंबर पे इथ थर्ड प्रॉप फोर्थ ब्यूट फाइव पैंट सिक्स हैक्स आपको ये लर्न करने पड़ेंगे सेवन हैप्ट एट ऑक्ट नाइन नियो टेन डेक इस तरह से लेते हैं अब सैचुरेटेड की बात हो रही है तो सबके पीछे एन लगेगा इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन न्योएन डेकेन सबके पीछे एन लगेगा मिथेन मिथेन में एक कार्बन होता है इथेन का मतलब दो कार्बन प्रॉप का मतलब तीन कार्बन ब्यूट का मतलब चार कार्बन पेंट फाइव कार्बन हेक्स सिक्स कार्बन हेप्ट सेवन कार्बन ऑक्ट एट कार्बन नियो नाइन कार्बन डेक टेन कार्बन ठीक है इस तरह ये जो है वन से लेकर टेन तक कार्बन इसी वजह से आपको ये लर्न करने पड़ते हैं अब मिथे मिथेन में हाइड हाईट फोर हाइड्रोजन होते हैं अब दो दो हाइड्रोजन हर एक में ऐड कर दो एच सिक्स एच एट एच टेन एच ट्वेल्व एच फोर्टीन एच सिक्सटीन एच एटीन एच ट्वेंटी एच ट्वेंटी टू तो ये क्या हो गया मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया मिथेन को आप कह सकते हैं एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन ये जो डैश है यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे तो ये मिथेन बन जाएगा अगर इथेन बना के दिखाऊँ तो दो कार्बन इनके साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे सारी जगह हाइड्रोजन सिक्स हाइड्रोजन तो आपका बन जाएगा इथेन अगर इसमें से एक और एग्जांपल उठाती हूँ मैं हेक्सेन का हेक्सन कितने कार्बन है सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर सिक्स कार्बन अब सारे जो जो जितने भी हैं ना इन सब में हाइड्रोजन लगा दो कितने हाइड्रोजन बैठे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन हाइड यानी कि सी सिक्स एच फोर्टीन ये क्या है हेक्सिन सिंपल सी बात है ऐसे ही आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाइए ऐसे ही आप ये वाला आप सारे स्ट्रक्चर बना के देखिए यही बनेगा तो ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिस तरह तो आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आई होप समझ में आ गए होंगे तो इस तरह से हम अपने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेंगे तो और, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ की हम हाँ, आप हाँ हाँ हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो